एकार्ट टोले की बुक है पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में जीने की कला, अपने विचारों को वर्तमान में पकड़ने की कला, जहां आने वाले कल का कोई डर ना हो, कोई अनकंट्रोल्ड सोच ना हो, पास्ट के दुख दर्द और दोष बहाने ना हो। हम आज में जीते हैं, आज में बेस्ट काम करते हैं, तो आज का हमारा बेस्ट काम हमारे पास्ट में वही काम एक सुंदर याद बन के रह जाता है और यही सुंदर काम भविष्य में जाकर एक सपने की तरह दिखाई देता है। गीता में कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जैसा कर्म, आज की परिस्थिति चाहे सुख हो दुख हो अच्छा हो बुरा हो हमारे हाथ में नहीं है, क्या फल मिलेगा वो भी नहीं पता है। हम कैसे बहादुरी से काम करेंगे ये हमारे हाथ में होता है। कहा है ना, जैसा कर्म वैसा फल। अनकॉन्शियस ट्रेन ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में मन में हर समय थॉट्स चलती रहती हैं। सॉल्यूशन है ऑब्जर्वर बनना। मेडिटेशन मदद करता है, वो सोच में ठहराव लाता है। विचारों को देखते हुए उन पर हमें अच्छे विचार या बुरे विचार की रेटिंग नहीं करनी चाहिए। हमें तो वैसे ही सजग रहना है जैसे जब स्कूल की क्लास में जब टीचर आते हैं तो हम एकदम से सजग और अलर्ट हो जाते हैं। हमें याद है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले हमारे मन में सैकड़ों विचार चलते रहते हैं कि अगले एग्जाम से पहले तो हम ऐसा करेंगे, पर जैसे ही एग्जाम खत्म होता है मन ब्लैंक हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। वर्तमान में सुख और दुख दोनों को महसूस करो। वर्तमान में अपनी पिक्चर के खुद हीरो बनो, उस हीरो का किरदार बनकर अभिनय करो, एक्टिंग करो कि आप हीरो हैं, और उसी पल को मूवी का डायरेक्टर बनकर भी देखने की कोशिश करो, यानी कि आप अपनी पिक्चर के हीरो भी हैं और बाहर से खड़े होकर डायरेक्टर भी हैं। पर एक्टिंग को अच्छे या बुरे का लेबल मत दो। रोज अपनी प्रायोरिटी की टू डू लिस्ट पर बेस्ट काम करो और हीरो की तरह बन जाओ, अपनी मूवी खुद डायरेक्ट करो। दिस इज पावर ऑफ नाउ।